हेलो दोस्तों, मैजिक किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही मटर पनीर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हमने लिया है 500 ग्राम पनीर छोटे टुकड़े में कटे हुए, 500 ग्राम हरा मटर, दो प्याज मोटे टुकड़े में कटा हुआ, एक टमाटर मोटे टुकड़े में कटा हुआ, छिला हुआ लहसुन एक पोटी, सात हरी मिर्च, दो बड़े चम्मच ताजी मलाई, 15 पीस काजू, थोड़ा धनिया, थोड़ा पुदीना, एक चम्मच कसूरी मेथी, 2 इंच अदरक के टुकड़े। खड़े मसाले में हमने लिया है एक चक्री फूल, दो दालचीनी के टुकड़े, 4 छोटी इलायची, एक चम्मच जीरा, 2 तेजपात, एक चम्मच मीट मसाला, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इंडक्शन ऑन करके एक चम्मच तेल डाल लेंगे। अब इसमें हम प्याज, टमाटर, काजू, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालकर इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। कम से कम इसे 1 मिनट तक इसी तरह भूनते रहेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल लेंगे। अब इसमें हम 1 कप पानी डाल लेंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इसे हम ढककर टमाटर गलने तक पकाएंगे। आँच एकदम स्लो ही रखना है। मसाले का पानी एकदम सूख चुका है, अब हम इंडक्शन बंद कर लेंगे। मसाले ठंडे हो गए हैं, अब मसालों का हम 1 पेस्ट बना लेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मसालों में पानी नहीं डालना है। पुदीना, हरा धनिया, अब इसका 1 फाइन पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बहुत अच्छा बना है। सबसे पहले हम पनीर को तलना स्टार्ट करेंगे। हमने सरसों का तेल लिया है। तेल को ज़्यादा गर्म कर लेंगे, इससे पनीर सॉफ्ट और मुलायम तलता है। पनीर को तलने के बाद ज़रूरी नहीं है कि पानी में डालें, इसी तरह सॉफ्ट रहेगा। जिसको भी पनीर की सब्ज़ी अच्छी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पनीर एक तरफ से लाल हो चुके हैं, अब इसको हम पलट लेंगे। पनीर बहुत अच्छे तले हुए हैं। पनीर को अच्छी तरह से चलाते रहेंगे, कहीं से लगने ना पाए। पनीर एकदम परफेक्ट तल चुके हैं, अब इसे हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह सारे पनीर को तल लेंगे। इंडक्शन ऑन करके कढ़ाई रख लेंगे। जिस तेल में पनीर तला था वही तेल डाल लेंगे। तेल में सारे खड़े मसाले डाल लेंगे। खड़े मसाले चटकने के बाद अब उसमें हम पेस्ट डालकर चला लेंगे। 1 मिनट तक मसालों को बिना पानी डाले भुनेंगे। मसाला भूनते समय आँच को एकदम स्लो कर लेंगे। 1 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें हम सारे मसाले डालकर चला लेंगे। मिक्सर जार में जो मसाले लगे हैं उसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर मसालों में डाल लेंगे। मसाला चलाने के बाद इसे हम ढक देंगे। मसाला तेल छोड़ने लगा है, अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। अब फिर से इसे हम चलाते हुए भुनेंगे। मसाले में 1 कप पानी और डाल लेंगे। मसाला चलाने के बाद इसे हम ढक लेंगे। इसी तरह थोड़ी थोड़ी देर में हमें मसालों को भूनना है। मसालों को हम 2 मिनट तक और भून लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें हरा मटर डालकर हम फिर से भूनेंगे। मटर को भी ढककर कम से कम 2 मिनट तक और भूनेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब ढक्कन हटाकर हम देख लेंगे कि मसाला कितना भुना हुआ है। मसाले से तेल ऊपर आ चुका है, मसाला एकदम परफेक्ट भून चुका है। मसाले में कसूरी मेथी और पनीर डाल लेंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पनीर में सारी मलाई डाल लेंगे। मलाई डालने के बाद इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। पनीर में अब हम पानी एकदम नहीं डालेंगे। अगर आप इस समय चाहें तो दही डाल सकते हैं। अब इसे ढककर हम कम से कम 2 मिनट तक और पकाएंगे। ढककर हटाने के बाद इसे एक बार फिर चला लेंगे। इसे ढककर कम से कम 2 मिनट और पका लेंगे। शाही मटर पनीर बनकर तैयार है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।